हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा,
मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम खास ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम खास ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है।
खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद
नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम खास ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम खास ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम
चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए
5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है।
देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके
बदले जाने की संभावना है, इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है, इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है, इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी।
खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म OG बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म OG बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है।
इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को
रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम काज ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर NTR अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम काज ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर NTR फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से
न्यू अपडेट आया है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम काज ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम काज ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नजर आएंगे। इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद नई तारीख सामने आई। निर्माता ने बताया था कि फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज़ किया जाएगा, मगर अब लग रहा है कि इसकी तारीख में भी बदलाव होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा चल रही है कि फिल्म को 10 अक्टूबर के बजाय 27 सितंबर को रिलीज़ किया जा सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह पवन कल्याण की फिल्म ओजी बताया जा रहा है। पहले पवन कल्याण की इस फिल्म के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी। खबर यह है कि अब इसे अगले साल रिलीज़ किया जाएगा। ऐसे में 27 सितंबर पर देवरा के निर्माताओं की नज़र है और अब उनकी ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा है। देवरा का निर्देशक कोलातारा शिवा कर रहे हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान के साथ साथ जानवी कपूर, श्रीकांत और शाइनी टॉम चाकोर भी नज़र आएंगे। इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म का पहला गाना फियर सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। खबर यह है कि जूनियर एनटीआर फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा फिल्म से न्यू अपडेट आया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। जूनियर एनटीआर अपने आने वाली फिल्म देवरा की शूटिंग में पूरी तरह से व्यस्त है। इस फिल्म पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो देवरा की रिलीज़ की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बदले जाने की संभावना है। इसे लेकर एक खास चर्चा चल रही है। हम जानते हैं कि पहले देवरा की रिलीज़ के लिए 5 अप्रैल का दिन चुना गया था, लेकिन सैफ अली खान चोटिले होने के कारण फिल्म का काम कास्ट ठप पड़ गया। नतीजा इसके बनने में देर हो गई। इसके बाद